मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े मामले में आज दो अहम गवाहों को ईडी प्रस्तुत करेगा। गवाही ईडी कोर्ट में दर्ज की जाएगी। ये गवाही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में दर्ज की जाएगी। हालांकि पूर्व से मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने की तारीख 23 नवम्बर निर्धारित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 नवम्बर को गवाही दर्ज कराई जाएगी। इसे देखते हुए दोनों गवाहों को नए सिरे से समन जारी कर नई तारीख में आने को कहा गया है। ईडी ने पूजा सिंघल के मामले में अब तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर और पल्स बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार अक्षत कटियार की गवाही दर्ज कराई है। पूजा सिंघल 25 मई 2022 से जेल में हैं। गवाही के बाद पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख निर्धारित है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।